नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जीबीपी आईएनआर और यूएसडी आईएनआर की अगले वीक की मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे डेटा और चार्ट की मदद से जीबीपी आईएनआर और यूएसडी आईएनआर किस तरफ का मूवमेंट दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं और ये सबसे पहले हमने जीबीपी आईएनआर का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और जीबीपी आईएनआर के वीकली चार्ट में यदि आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डार्क लाइन की हुई है ये पिछले हफ्ते से ही हमने जब एनालिसिस किया था तो पिछले वीक से ही हमने प्लॉट की थी। तो पिछले वीक से ही दोस्तों ये लाइन प्लॉट्स की थी और एक ये डेली चार्ट पर हमने एक इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की थी, वो प्लॉट की थी। तो दोस्तों जो पिछले वीक हमने रेजिस्टेंस की लाइन है वो ऊपर यहाँ प्लॉट की थी, उसे हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है, नीचे की तरफ यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ इसने जो ये 12 तारीख को जो ये इस हफ्ते में 15 तारीख की ट्रेडिंग शुरू हुई उसने यहाँ एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की थी। जीबीपी आईएनआर ने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन उसने इस लेवल को टेस्ट एंड फेल कर दिया है। ये लेवल पहले ही टेस्ट एंड फेल हो चुका है तो इसका मतलब जो हमारा लोअर लो पैटर्न है वो अभी जीबीपी आईएनआर में इंटैक्ट है। हायर पैटर्न आप तब मान सकते हैं जब कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर यानी 101.4947 के ऊपर यदि कोई क्लोजिंग होती है तो आप मान सकते हैं कि वो एक हायर हाई पैटर्न बना सकता है, आगे इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। तो अभी हमें ये रेजिस्टेंस इसमें समझ आता है जो हमने आपको बताया। उसके अलावा यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं जीबीपी आईएनआर में तो आप 101.5 के ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं या 101-102 के लेवल की पुट कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पोजीशन देख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अभी इस वीक के लिए इमीडिएट एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें समझ आता है। उसके अलावा दोस्तों जहां ये सपोर्ट जोन है इसे फिर से ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। यदि इस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग होती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये वीकली टारगेट मीट होगा, वीकली टारगेट पे जीबीपी आईएनआर जरूर आएगा। तो दोस्तों इसके बाद एक बार डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगा दिया है हमने, डेली चार्ट लगा दिया है जहां एक वीक फॉर्मेशन के तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां इस रेंज में डॉलर इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इस रेंज से इसे अच्छी सप्लाई मिल रही है। तो इसके वीकली चार्ट में भी दोस्तों यदि हम देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक कंसोलिडेशन के बाद जब डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया था तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इन लेवल्स पर बनता था जो अभी तक इसने टेस्ट भी नहीं किया है। यूं कहें कि इस जोन को टेस्ट एंड फेल अभी इसने कर दिया है। जो ये वीक है जो पिछले दो हफ्ते पहले की जो वीक बनती है वो हमें बताती है कि इस जोन को अभी टेस्ट एंड फेल कर दिया है। यदि आप जोन की बात करेंगे दोस्तों तो इस जोन में जो अभी हमने ड्रॉ किया है इस जोन में यदि DXY डॉलर इंडेक्स यदि सस्टेन करता है, इस जोन में यदि वो टाइम स्पेंड करता है तो हमें उम्मीद होगी कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ निकल जाएगा, या इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें उम्मीद होगी कि डॉलर इंडेक्स इस जोन को ब्रेकआउट दे देगा, इस जोन के ऊपर निकल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हमें ये सप्लाई जोन नजर आता है। दोस्तों अभी यूएसडी आईएनआर का देख लेते हैं चार्ट एक बार। तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर के वीकली चार्ट में यदि आप देखेंगे तो लोअर लो फॉर्मेशंस जो सबसे मार्च के फर्स्ट वीक की कैंडल में जो न्यूज ओरिएंटेड मूव था उसे यदि छोड़ दिया जाए तो दोस्तों लोअर लो कैंडल्स इंटैक्ट है और यूएसडी आईएनआर अपने लेवल्स पर वापिस आ गया है जो उसने लास्ट फरवरी के एंड में जिन लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहा था उन लेवल्स पर यूएसडी आईएनआर वापिस आ गया है। तो दोस्तों ये वीकली फॉर्मेशन में बिल्कुल सप्लाई जोन में है, बिल्कुल सप्लाई ले रहा है, लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा है, बिल्कुल बियरिश फॉर्मेशंस हैं। और डेली में यदि यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस हम करना चाहें दोस्तों तो डेली में यदि आप देखेंगे तो लास्ट
लास्ट के जो चार दिन थे उसमें यदि आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग के बाद गैप अप होता है, गैप अप के बाद नीचे आता है, फिर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद ऊपर होता है, गैप अप होता है, गैप अप के बाद नीचे आता है। यानी हमें एक चीज ये समझ आती है कि यूएसडी आईएनआर में काफी अभी गैप अप गैप डाउन जो न्यूज ओरिएंटेड गैप अप गैप डाउन हैं अभी बने हुए हैं। वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें ओवरनाइट पोजीशंस, नेकेड पोजीशंस लेना अभी रिस्की हो सकता है। पर दोस्तों इसमें खास बात यह है कि जो भी ये गैप अप गैप डाउन हुए, यदि हम डेटा में देखना चाहें, फ्यूचर्स के डेटा में देखना चाहें, इन सभी गैप अप गैप डाउन की, चार से पांच दिन के गैप अप और गैप डाउन की जो क्लोजिंग है दोस्तों, जो क्लोजिंग है वो 72.62626665958 यानी कि 6265 से लेके 55 अगर 10 पैसे का यदि हम जोन बनाना चाहें तो 72.55 से 72.65 जिसमें जो सेंटर है वो 72.59 से 62 के बीच का है। तो दोस्तों इस सेंटर के आसपास में इसकी क्लोजिंग लगातार रही है, इसका मतलब यहां इस लेवल, इन लेवल्स को, फ्यूचर्स के इन लेवल्स को यूएसडी आईएनआर 72.59 72.62 इन लेवल्स को यूएसडी आईएनआर काफी अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है और ये लेवल्स एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे पिछले चार ट्रेडिंग सेशंस में। तो दोस्तों इससे हमें क्लैरिटी ये मिलती है कि जब ये नीचे की तरफ गया तो नीचे की गैप डाउन किया 18 तारीख को, तो गैप डाउन करने के बाद इसने एक अच्छा बाउंस लिया, मतलब ये नीचे से ये ऊपर की तरफ तेजी से आ गया। इसी तरह 16 तारीख को भी जब ये नीचे गया था तो इसने वहां एक डिमांड क्रिएट की और ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब दोस्तों 72.45 या 72.4 के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स एक अच्छे डिमांड की तरह काम करेंगे। यदि इस डिमांड को यूएसडी आईएनआर ब्रीच करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो हम मान सकते हैं कि ये 72 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज यूएसडी आईएनआर में अभी 72.25 से नीचे की पुट्स को राइट करना या स्प्रेड बनाना, बुल पुट स्प्रेड बनाना एक सेफ स्ट्रेटजी हमें समझ आती है। तो दोस्तों इसके बाद यदि हम इसका आवरली चार्ट देखना चाहें तो दोस्तों आवरली चार्ट में यदि आप एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी इन जोन्स में, जो ये एक तो ये जोन जो फेल एंड टेस्ट हुआ था आवरली चार्ट में, यदि हम इसे छोड़ दें तो इन जोन्स में एक इसे इमीडिएट रेजिस्टेंस यहां मिलना चाहिए और इमीडिएट और जो सपोर्ट है, जो ये लेवल्स है 72.45 के लेवल्स हैं, यहाँ ये सपोर्ट ले भी रहा है। दोस्तों अभी यूएसडी आईएनआर 72.45 से लेके 73 के लेवल्स तक की एक इसमें सेफ बेट नजर आती है, एक सेफ ट्रेडिंग नजर आती है। तो हम इसके इन लेवल्स के बियॉन्ड हम अपनी स्प्रेड स्ट्रेटजीज ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने वीकली चार्ट एक बार लगा लिया है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि वीकली चार्ट में यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर्स में, क्योंकि इस हफ्ते हमें पिछले, इस हफ्ते के पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में या यूं कहें इस पूरे हफ्ते में जो हमें क्लोजिंग नजर आई है वो 72.59 से 72.63 की तरफ कंसोलिडेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब यूएसडी आईएनआर ने कहीं भी ट्रेड किया ऊपर या नीचे, इसे ऊपर की तरफ सप्लाई यानी इसी कैंडल के हाई में सप्लाई और इसी कैंडल के लो में इसे डिमांड नजर आई है और इसने क्लोजिंग जो है इस कैंडल के मिड के आसपास, यहां इन लेवल्स के आसपास इसने क्लोजिंग अपनी रखी है। तो दोस्तों इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस वीकली कैंडल का हाई और लो हमारे लिए मैटर करता है। आगे की ट्रेडिंग या आगे की डायरेक्शन, इसका हाई या लो के ऊपर यदि क्लोजिंग होती है, हाई के ऊपर क्लोजिंग या लो के नीचे यदि क्लोजिंग होती है तो हमारा जो भी अगले ट्रेडिंग डिसीजंस होंगे वो इस कैंडल के ब्रीच होने पर बिहेव, इस कैंडल के बिहेवियर पर, इस कैंडल के ब्रीच होने पर डिपेंड करेंगे कि इस कैंडल के आसपास में कैसे ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों ये मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा था क्योंकि इस कैंडल में यदि आप देखेंगे, डेटा देखेंगे तो 17 तारीख में जो अनवाइंडिंग्स हुई थी, यूएसडी आईएनआर ऊपर से नीचे की तरफ आया था यानी एक सप्लाई में अनवाइंडिंग हुई थी, लॉन्ग्स के अनवाइंडिंग हम कह सकते हैं। और 18 तारीख में यदि बिल्डअप देखेंगे तो 3% का बिल्डअप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुआ था। इसका मतलब जब यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आया तो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि इस वैल्यू से लगभग, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो इस वैल्यू जैसे ये यदि 72.45 है तो वो 72.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उन लेवल्स के आसपास अप्रैल के मंथ में एक डिमांड क्रिएट हुई है। तो क्योंकि ये अगले महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है तो इसका मतलब कि नीचे की तरफ एक ये डिमांड क्रिएट कर रहा है अगले महीने की ट्रेडिंग्स में और ऊपर की तरफ जाने पर ये
ऊपर की तरफ जाने पर करंट मंथ में लॉन्ग्स को अनवाइंड कर रहा है, पोजीशंस को अनवाइंड कर रहा है, यानी इस महीने में एक अच्छे शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं जिन्हें ऊपर जाने पर अनवाइंड किया जाता है और अगले महीने के लिए लॉन्ग पोजीशन ली जाती हैं जब ये नीचे की तरफ आता है। तो दोस्तों इस डाटा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो वीकली कैंडल है, इस वीकली कैंडल का हाई या लो मैटर करेगा। यदि वीकली कैंडल जिस भी तरफ ब्रीच होती है उस हिसाब से हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल दोस्तों, डे टू डे चार्ट में यदि आप डे टू डे में यदि हम कंसोलिडेशंस देखेंगे, हम डेटा देखेंगे, तो 73 की स्ट्राइक पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और पुट साइड में 72.5 पर आ गया है। जैसा कि एक छोटी सी रेंज 72.5 से 73 की रेंज बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों स्ट्रेडल के चार्ट में इस मंथ के लिए, मंथ की क्लोजिंग के लिए अभी स्ट्रेडल के ऑप्शंस के डेटा को एनालिसिस करना उतना ज्यादा फिजिबल नहीं होगा, उतना ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये वीकली ट्रेडिंग वीकली बन चुका है। जो भी मंथली क्लोजिंग है वो एक तरीके से वीकली बिहेव करेगी, उसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग बढ़ गई है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीक से अगले महीने यानी 28 अप्रैल की क्लोजिंग के लिए अपना ऑप्शंस का एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा यदि आप देखना चाहें तो ये 3.5 लाख से ऊपर यदि 73 में कॉन्ट्रैक्ट्स जा चुके हैं, पुट साइड में 72.5 में सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चले गए हैं, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका एनालिसिस हम अभी नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theiqtrader@gmail.com। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।